हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और आज है थर्सडे। थर्सडे मतलब कि कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस का दिन। और आज हम लेते हैं फिजिक्स को, ठीक है, फॉर JEE नीट एंड फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है तो वो है कि जिसका आंसर हम ओरली दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ओरली आंसर देना है तो फिर पेन पेपर ही क्यों ले। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हम ओरली आंसर दे सकते हैं तो मुझे भी करके दिखाना चाहिए ओरली। तो दैट्स वाई आज मैं बिना पेन पेपर लिए इस पे बात करूंगा। आप लोग जरूर से पेन पेपर ले लीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी लिखने पड़ेंगे और जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपको सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द साइकिल ABCDA। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ए, ये है बी सी डी ए। ए बी सी डी ए मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और वहां पे पी और वी की वैल्यूज दी है। और इसे हम कहते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं पी वी डायग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। पी वी डायग्राम के अंडर जो वर्क डन होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। इस तरह के क्वेश्चंस भैया हर जगह भर भर के आए हैं। मैं अभी ही आज के दिन ही 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं पूरी चीज, लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो इसका थोड़ा सा एक हम आइडिया ले लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अ पीवी डायग्राम प्लॉट चेंज, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्योंकि आपने देखा होगा पी और वी होता है, पी होता है वाई एक्सिस पे और वी होता है एक्स एक्सिस पे। एंड दैट इज फॉर सम प्रोसेस टिपिकली इन थर्मोडायनेमिक्स और मोस्टली इन साइकिल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये पी है, वी है और ये जो है एक कंप्लीट साइकिल है। साइकिल है कैसे पता चला? साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब है कि जिस जगह से स्टार्ट होगा उसी जगह पे एंड होगा। वन से स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो वन से स्टार्ट हुआ है ए बी सी डी और वन पे ही खत्म हो गया। मतलब कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और वन पे प्रोसेस क्या था, फिर दो पे हम गए तो वहां पे पी और वी की वैल्यू क्या थी, या उन दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज। कई कई बार क्या होता है कि दोनों चेंज होते हैं या फिर कोई एक चेंज हो सकता है। यहाँ पे लिखा है, देखो, द फिगर शोज द फीचर्स ऑफ आइडियलाइज्ड पीवी डायग्राम। इट शोज अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स 1 थ्रू 4। द पाथ बिटवीन ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सम प्रोसेस ए थ्रू डी विच अल्टर द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे बोला गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम हर एक स्टेट के बीच में चेंज हो रहा है। हम देख सकते हैं वन और टू के बीच में, आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि पी पी कॉन्स्टेंट है और V वेरी हो रहा है। V V क्या कर रहा है, देखो V वन से टू जा रहा है, मतलब कि V बढ़ रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे दूसरी प्रोसेस देखो, दूसरी प्रोसेस वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब कि V वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कई बार एक वेरी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, कई बार दोनों या कई बार तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। तो ये है बेसिकली पीवी डायग्राम, ठीक है। ये है बेसिकली पीवी डायग्राम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम इस पे बात करते हैं थोड़ा कि पीवी डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हम क्या करते हैं कि पी को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये एक हमारी एक स्टेट है, तो इस स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जब जाएंगे तब वहां पे पी और वी मेजर करेंगे और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जो रास्ता है, हमारे पास तीन तरीके के रास्ते होते हैं, तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं, तीन तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो पहली चीज तो, हाउ डू वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो वर्क डन पीवी डायग्राम में एक ही बहुत सिंपल है, याद रख लो, द वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एज सीन इन द डायग्राम। लेकिन याद रखना ये चीज, मतलब लिख लिख के घिस दो इसे, कि पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वही 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 वर्क डन दिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी एच मतलब कोई एंथालपी दे दी या कोई एंट्रोपी दे दी या फिर एंट्रोपी वर्सेस प्रेशर दे दिया और उसका भी आपने निकाला और वो एरिया, नहीं 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 पीवी डायग्राम का नीचे जो एरिया होता है वही हमें उसका वर्क डन देता है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे पी प्रोसेस है, यहाँ पे वी प्रोसेस है। इनिश पी पी को आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब पी कॉन्स्टेंट है। देखो सिर्फ पी आई लिखा है और जो V है वो VI से VF जा रहा है, करेक्ट। तो
तो हमने क्या बोला कि एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस है, ये पूरी साइकिल नहीं है, तो एरिया अंडर द कर्व। तो अब देखो ये एक सिंपल स्टेट है, और यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे हमें पता है कि यार ये क्या बन रहा है, दिस इज काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो रही है, पी आई, आप देखो वी आई से वी एफ जा रहा है, मतलब वी एफ माइनस वी आई, बड़े से छोटा सब्सट्रैक्ट करोगे तो इतनी हॉरिजॉन्टल जो ब्लैक लाइन है वो आपको मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा वर्क डन, क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन हो जाएगा पी ए इंटू डी एक्स, मतलब कि पी, पी क्या है यहाँ पे पी आई, ठीक है, पी क्या है यहाँ पे पी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई मतलब कि डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, ये होता है वर्क डन। अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्टेट है उसी कंडीशन में क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी, दैट इज वर्क डन। सिर्फ इसी स्टेट की बात कर रहा हूँ, याद रखना सिर्फ इसी स्टेट में, कि जब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तब एरिया क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। ये पॉइंट लिख लो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो ये है, ये वाला, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है थ्रू डायग्राम ओनली। अब देखो कई बार क्या होता है हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं शेप होता है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर, तो उन सबका आपको एरिया पता है, बट अब ऐसे चीजें हर एक का जो जियोमेट्रिकल शेप्स जिसे बोलते हैं उसका एरिया पता है, लेकिन फर्स्ट ए और बी केस देखो, अब वो क्या है यार, इस तरह से मुड़ा हुआ तिरछा, तो उसके लिए हमें एरिया नहीं पता है। और अगर एरिया ना पता हो और फिर भी हमें फाइंड करना है कि वन और टू, वो भी एक प्रोसेस ही है, उसने क्या गुना किया है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस। और जब प्रोसेस में एरिया मतलब कोई डिफाइनाइट शेप ना हो, कोई ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, तब हम क्या करते हैं, जब एरिया, एरिया मतलब कि मैंने हमेशा बताया आपको, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, छोटे 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 पार्ट को वन से टू के बीच में हम जोड़ते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो वर्क इज इक्वल टू एरिया, मैंने आपको बताया अभी कि वर्क, एरिया अंडर द कर्व वर्क होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं वी वन टू वी टू पी डी वी, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं वी वन टू वी टू पी डी वी, ठीक है। पी मतलब पी, पी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर भी वेरी हो रहा है, आप देख सकते हो प्रेशर भी वेरी हो रहा है। और डी वी मतलब कि डी वी हमने क्यों लिया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे हम बता रहे हैं, ठीक है, एरिया एक्स एक्सिस पे। अगर सेम चीज़ वाई एक्सिस पे लेते हम तब क्या होता, अगर ये डायग्राफ उल्टा, डायग्राफ उल्टा होता, वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन लेते तब ये आ जाता वी इंटू डी पी। हम उसकी चर्चा अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आगे, या फिर आप बहुत आगे मेडिकल में जाओगे तब आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही याद रखो कि इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू पी डी वी। अब यहाँ पे आप सोचोगे ये ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा है, ग्रेटर देन जीरो इसीलिए लिखा है क्योंकि आप देखो ये एरो देखो, एरो देखो, एरो में जूम करता हूँ, एरो देखो वन से टू जा रहा है, मतलब कि वन से टू इस साइड जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी वन टू वी टू वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सेम केस देखो, सेम केस यहाँ पे है, ठीक है, वी वन से वी टू पी डी वी है, लेकिन यहाँ पे लेस देन जीरो लिखा है, क्यों, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम राइट साइड मतलब लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग वॉल्यूम होता है, जब डिक्रीजिंग वॉल्यूम की बात आती है, तब क्या होता है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम में वर्क डन रिड्यूस, मतलब वर्क डन हम उसको माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, हम उसे माइनस साइन लेते हैं। और ये वाला केस तो अभी मैंने बताया कि वी वन वी टू माइनस वी वन, तो यहाँ पे देखो वी टू माइनस वी वन, क्योंकि हमें पता है वी टू और वी वन ये लेंथ हो जाएगी, और ये वाली ऊपर लेंथ कितनी है पी, तो ये हो जाएगा डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए। आई होप ये फंडा पूरा कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या बताता है वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। और ये बेहद मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको ट्रिक करना पड़ेगा, अगर JEE एडवांस का क्वेश्चन होगा ना, तो वो आपको क्या करेंगे, या फिर नीट का बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो वो आपको क्या देंगे पता है, आपको कोई दूसरा ही डायग्राम दे देंगे, ना कि पीवी डायग्राम, कोई दूसरी ही मतलब कोई भी एज्यूम कर लो, और आपको क्या बोल देंगे, वर्क डन फाइंड करो। तब आप ये एरिया अंडर द कर्व मेथड से नहीं कर सकते, आपको उसको पीवी में चेंज करना पड़ेगा और तभी आप वर्क डन निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिंपल पीवी डायग्राम दिख रहा है, सिंपल वर्क डन पूछा है और सिंपल साइकिल पूछी है। अब जब साइकिल की बात होती है, अगर कोई सिंगल प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है तो एरिया अंडर द होल कर्व आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइकिल है, तो जब साइकिल की बात होती है तब वर्क डन हो जाता है उसका एनक्लोज्ड एरिया, उसका एनक्लोज्ड एरिया, आई होप आप यू आर गेटिंग इट, उसका एनक्लोज्ड एरिया। अब इसका एनक्लोज्ड एरिया क्या है बताओ मुझे, इसका एनक्लोज्ड एरिया मतलब कि क्या भैया, इसका एनक्लोज्ड एरिया मतलब कि ये जो स्क्वायर है उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया मतलब कि लेंथ इनटू विड्थ, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो जो भी हो। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ हो जाएगी इसकी, ये आप देखो यहाँ पे
वी से टू वी जा रहा है, मतलब टू वी माइनस वी, मतलब कि वी हो जाएगी उसकी लेंथ, और हाइट कितनी हो जाएगी, टू पी माइनस पी, दैट इज पी, तो पी इंटू वी, दैट इज पी इंटू वी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा इसका वर्क डन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे ये वाला क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक डिटेल्स नहीं पता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस, जो स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ पे ये सेम है, और ये फाइनल कंडीशन दी गई है यहाँ पे, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट। स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन द आइडियल गैस एक्सपांड वी वन टू वी टू, वी वन से वी टू जा रहा है, ठीक है, मतलब कि वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इन थ्री डिफरेंट वेज। द वर्क डन बाय द गैस इज डब्ल्यू वन इन प्रोसेस प्योरली आइसोथर्मल, डब्ल्यू वन है आइसोथर्मल के लिए, डब्ल्यू टू इफ प्रोसेस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब कि कंप्रेशन प्रोसेस, एंड डब्ल्यू थ्री इज प्योर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के लिए है डब्ल्यू थ्री। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये क्वेश्चन आप बिना, अगर आपको आइसोथर्मल एडियाबेटिक और वो नहीं पता है ना, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसके बारे में डिटेल्स तो मैंने मेरा जो थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स करवाया था उसमें बताया मैंने, लेकिन अभी आप उन तीनों को जाने बिना भी आप आंसर दे सकते हो। आप बोलोगे कैसे, मुझे तो किसी भी नहीं पता, तो देखो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो जो हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है, आइसोथर्मल, और उसके नीचे वाली जो डब्ल्यू थ्री है वो है एडियाबेटिक। तो अब आप देखो सबसे कौन सी लाइन के नीचे सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, बहुत ईजी, डब्ल्यू टू आइसोबारिक, उसके नीचे सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, फिर एडियाबेटिक के नीचे सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, और फिर आइसोथर्मल के नीचे सबसे ज्यादा एरिया, और लास्ट में है एडियाबेटिक, तो उसके नीचे सबसे कम एरिया आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्कडन किसको चाहिए, आइसोबारिक को सबसे ज्यादा वर्कडन चाहिए, मतलब डब्ल्यू टू सबसे बड़ा होगा, फिर डब्ल्यू वन, और फिर डब्ल्यू थ्री, मतलब कि डब्ल्यू टू ग्रेटर देन डब्ल्यू वन ग्रेटर देन डब्ल्यू थ्री, यही हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब कि आपको आइसोथर्मल क्या है उसकी डिटेल्स हमें पढ़ना जरूरी है, हमारा सिलेबस में भी है, लेकिन ना पता हो तो ये ग्राफ की मदद से आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये है पी वी डायाग्राम, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू थ्री इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज भी क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, इसमें हम पूरा नहीं देखेंगे लेकिन थोड़ा कुछ समझेंगे। यहाँ पे बोला है वन मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टेकन बाय राउंड प्रोसेस, ये पूरा गिवन है। द वर्क डन बाय द गैस, तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ पीवी डायग्राम, पीवी जब डायग्राम दिया होता है तब वर्क डन क्या होता है, मैंने बताया पीवी डायग्राम में जो वर्क डन है, और वो भी साइकिल है वो भी साइकिल है, तो साइकिल में होता है एनक्लोज्ड एरिया का, एनक्लोज्ड जो कर्व है उसका एनक्लोज्ड एरिया, तो ये तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल में बबुआ क्या होता है, ट्राइंगल में होता है 1/2 लेंथ इनटू हाइट, तो 1/2 लेंथ कितनी है, 2V0 माइनस V0 दैट इज B0, V0 इसकी लेंथ है, और हाइट कितनी है 2P0, तो मतलब 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2P0 इनटू V0, मतलब कि 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, P0 V0 इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो देखिए मतलब कि मैंने बताया था कि ओरली आप कैसे आंसर दे सकते हैं, और मैम आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते भैया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इजी नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग है। तो आई होप ये पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और पूरे के पूरे जो मैंने नोट्स बताएं ये सारा ग्राफ्स एकदम ड्रॉ करके एकदम लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको एकदम चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, नीट वाले स्टूडेंट्स, JEE मेन, JEE एडवांस, स्टेट बोर्ड, हर एक बच्चे के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।